जो आप यहाँ पर आए हुए हमारे मीडिया जो है आपका हम शुक्रगुजार हैं। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है स्टेट डिपार्टमेंट के जो हमारे कैजुअल लेबर जो वर्कर जो हैं, हमें 20-20 सालों से हम काम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मैसेज हम अपनी सरकार को और बल्कि सेना साहब को J&K में देना चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे डिपार्टमेंट स्टेट डिपार्टमेंट है और 25-25-30-30 सालों से हम काम कर रहे हैं एज ए कैजुअल वर्कर्स, और जो कि आज तक हमारे किसी भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया ना हमें रेगुलर किया, और हमारी जो मांग है हम मीडिया के माध्यम से यही मांग और मैसेज सेना साहब को देना चाहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी जो हुई है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 300 450 मुलाजम है स्टेट डिपार्टमेंट का जम्मू श्रीनगर, और हमारे कैबिनेट डिसीजन हमारे पास पड़े हुए हैं जो मीडिया के अंदर हम आपको शो कर सकते हैं, और ये हमारा कैबिनेट डिसीजन है जिस कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हम काम कर रहे हैं। ना हमारा कोई बकाया वेतन है ना कोई पेंडिंग वेजेस है हमारी, और उसके बावजूद भी कैबिनेट डिसीजन के होते हुए ये कैबिनेट डिसीजन गवर्नमेंट का हुआ है जिसमें हमें रेगुलर मिनिमम तनख्वाह मिलती है और काम कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम अपने J&K के अंदर जितने भी VIP बंगले हो, कोठियां हो, VIP स्टाफ हो, IPS ऑफिसर हो, ये कैबिनेट डिसीजन हुआ है 2003 20 साल पहले 2001 में हुआ है। इस कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हमें कंटिन्यू रखा था, उसके बाद बैन लगा हुआ है, उसके बावजूद क्यों हमारे साथ नाइंसाफी हुई है? हम मीडिया के माध्यम से इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दी है कि गवर्नर साहब सेना साहब हमें मीडिया के माध्यम से टाइम दे दे ताकि हम उनको ब्रीफ करके बताएंगे हमारे J&K के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वजह से हमें भी उनके बीच में रखा हुआ है, बल्कि हमारा कोई बकाया वेतन नहीं है और कंटिन्यू सैलरी हमें मिलती है, कोई पेंडिंग मसला नहीं है। SRO 520 लागू हुआ उसके बावजूद भी हमारे साथ इस सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की। SRO 520 जैसा कि आपके सामने मैं SRO दिखाता हूँ, यह SRO 520 जब कलेक्शन सरकार थी यह SRO बनाया गया था, और यूटी सरकार जब बनी उसके बावजूद इस SRO के तहत हमारे स्टेट डिपार्टमेंट की फाइलें बिल्कुल ऑर्डर हुए हैं, ओके फाइलें हैं, GSA नंबर लगाना था, उसके बावजूद सरकार ने काम करने के बजाय इस SRO के बीच में आड़ बनी हुई सरकार और हमारे काम हमारे ऑर्डर रुका दिए। हम जाएं तो जाएं कहां, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम आपके माध्यम से सेना साहब को यही मैसेज देना चाहते हैं, कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद और तनख्वाह भी हमारी कंटिन्यू है और बैन के पहले हम लगे हुए हैं, उसके बावजूद हमारे साथ J&K में नाइंसाफी। मुल्क में रहते हैं हम भारत के रहने वाले हैं, एक ही संविधान, एक ही मुल्क, उसके बावजूद हमारे दो दो हाथ पांव कान जैसे बाकी मुलाजम जो है 60,000 से सैलरी लेता है, हम भी उनकी तरह काम करते हैं, हमें क्यों नहीं सैलरी दी जाती है? कब तक हम 225 के ऊपर काम करेंगे? देख रहे हैं आप हमारे पीछे, ये हमारी माताएं, ये बहनें, कुछ विधवा औरतें हैं, कुछ लेडीज हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनके साथ भी उम्र जो है उसकी 45 साल, कुछ अंडर एवरेज हो रहे हैं, वो सरकार कब आएगी? 4 गवर्नर यहाँ पर तब्दील हुए, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया और कहा फौरी तौर हम काम कर रहे हैं। भाई जो जिनके डिसीजन ओके हैं, जिनका कैबिनेट डिसीजन के थ्रू जो काम कर रहे हैं उनको तो रेगुलर करो, बाकी में अगर कोई परेशानी है ना हमारा कोई बकाया वेतन है। हम मीडिया के माध्यम से मैसेज यही देना चाहते हैं सरकार को, फौरी तौर हमारी जो डिमांड है, हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे SRO, हमारे कैबिनेट डिसीजन, इसके बावजूद भी हमें क्यों नाइंसाफी दी जाती है? वो कौन सा दिन आएगा, वो कौन सा सेना गवर्नर साहब आएगा जब हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ये जो स्टेट डिपार्टमेंट है इसका चार्ज सेना साहब के पास अपने पास है, उसके बावजूद भी हमें जो J&K के अंदर स्ट्राइकें चल रही थी आपने देखा 61,000 कैजुअल लेबर कपड़े उतार के नंगे हुए थे, फिर उन्होंने DDC चुनाव का एक इशू उठाया कि DDC चुनाव हो रहे हैं, उसके बावजूद आपको चुनाव होने दो और हम अब इमीजिएटली आपकी कोई पॉलिसी ला रहे हैं, और उसमें भी कुछ डिपार्टमेंटों ने हमें यूज करके उन डिपार्टमेंटों का नाम सेना साहब डेली ले रहे हैं, उनके ऑर्डर निकाल रहे हैं, उनकी तब्दीलियां कर रहे हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट का नाम अभी तक न किसी मीडिया में है, न किसी अखबार में है, न सेना साहब को पता है। हम मीडिया के जरिए सेना साहब को स्टेट डिपार्टमेंट की चेतावनी देना चाहते हैं, सेना साहब आप जाग जाओ, अपने डिपार्टमेंट को तो पहले घर को परिवार को सीधा करो, उसके बाद J&K सीधा होगा, जब घर नहीं सीधा होगा तो सेना साहब कौन से काम करेंगे? आदाब, शुक्रगुजार।